Hey man, hello, 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 hello. What, what? Hi. Hello, 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 hello. Come here, come here. Good morning people, good morning from Ninh Binh, Vietnam. तो यार फाइनली हमारी एक और सो ब्यूटीफुल सुबह हो चुकी है और भाई यहाँ के नज़ारे तो यार पूछो ही मत यार, इतने मस्त लग रहे हैं ना ऑल ओवर यार। जो ये Ninh Binh की जगह यू नो पूरी रिलैक्सिंग वाली है यार। अगर आपको यू नो अपना मी टाइम चाहिए या अगर आपको पीस चाहिए और रिलैक्स करना चाहते हो यार, Ninh Binh बेस्ट प्लेस है लाइक वियतनाम में यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए। तो यार जैसे कि कल आप लोगों को पता था, हम लोगों ने लाइक यहाँ पे काफ़ी साइकिलिंग की है, मतलब पूरा हमने यार विलेज वगैरह ये घूमा था पूरा। एंड देन हमने यहाँ पे ट्रैंग एंड बोट राइड की है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यू नो, पूरा लाइक केव्स वगैरह के बीच में वो लोग लेके जाते हैं पूरा। एंड देन काफ़ी टेम्पल्स वगैरह दिखाते हैं, काफ़ी एंशियंट हिस्टोरिकल चीज़ें थी, मतलब उस रूट में 3 आवर्स की जर्नी थी, मस्त था वो। तो यार आज हम लोग Ninh Binh को और एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं मतलब बेसिकली घूमने के लिए। ओके लाइक अभी जो बोट राइड से अगर रिलेटेड मैं बोलूँ तो देखो एक ट्रैंगन बोट राइड थी जो हमने ऑलरेडी कल कर ली थी, और एक और यहाँ पे जो कि Tam Coc बोट राइड, वो भी ट्रैंगन काइंड ऑफ ही है, सेम ही है। तो उनमें से आप चाहो तो कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने तो ट्रैंगन कर लिया, तो लेट्स ही देखते हैं अगर Tam Coc के लिए टाइम मिलता है तो। बाकी उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पर बीच डोंग पगोड़ा है एक करके, ठीक है। यहाँ पर हाउ लू एंशियंट विलेज है जिसको एंशियंट कैपिटल बोलते हैं यहाँ की Ninh Binh की, ठीक है। यहाँ पे हैंग मुआ लाइक एक पीक पॉइंट है, हैंग मुआ और मुआ केव्स। मुआ केव्स बेसिकली क्या है, बहुत ही लाइक केव है, मतलब बेसिकली यहाँ पे काफ़ी फेमस, और हैंग मुआ उसी का टॉप पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने पूरा ड्रैगन वगैरह का आर्किटेक्चर वगैरह बन रखा है, तो वो देखने लायक जगह है पूरा प्रॉपर ना। तो लाइक काफ़ी चीज़ें हैं मतलब आप राइड करने के लिए। तो यार अपने पास यहाँ पे यू नो आपको ना स्कूटी रेंट करने की ज़रूरत है, ना कोई टैक्सी हायर करने की ज़रूरत है, ना कुछ। यहाँ पे आप होटल वगैरह पर रुक रहे हो, उन लोगों के पास साइकिल्स रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप साइकिल उठाओ। और सब चीज़ें नियर बाई हैं यार, पास पास ही हैं, तो आराम से साइकिल से लेके जा सकते हो, चल कर सकते हो, ठीक है। हम लोग यार सबसे पहले सोच रहे हैं लाइक जाएंगे हाउ लू एंशियंट विलेज की तरफ, वो काफ़ी सुंदर लाइक लग रहा है यू नो पिक्चर वगैरह में, तो सबसे पहले वो देखते हैं। चलो भाई साइकिल हम लोगों ने उठा लिया और चलते हैं अभी हम लोग हाउ लू एंशियंट कैपिटल देखने। ओके यार साइकिल चलाना ऐसे एनवायरनमेंट में क्या अलग ही मज़ा है भाई। कुत्तों से बस दूर रहो भाई, ये खा वाना ले। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, मिल के बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। तेरे प्यार की कसम। क्या नज़ारा है भाई, कुछ इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे लाइट वाइट का कुछ सही कर रहे हैं लोग। देखो भाई यार कंट्री साइड लाइक बाइसिकल चलाना यार अलग ही एक्सपीरियंस है ना, लाइक पूरी घर वाली फीलिंग आती है यार। पता है आप कहीं भी चले जाओ, लाइक किसी भी सिटी में चले जाओ या किसी भी कंट्री लाइक, बट अगर आपके पास व्हीकल है तो थोड़ा अपनापन सा लगता है कि आप, बिकॉज ऑल ओवर जब भी यू नो ट्रांसपोर्ट लेते हो इधर से उधर टैक्सी वैक्सी करके, उसमें वो मज़ा नहीं आता। या तो मोटर बाइक ले लो रेंट, और यहाँ तो हमें बाइसिकल मिल गई है, यहाँ दो चीज़ हो जाएंगी, तीन चीज़ हो जाएंगी, घूमना भी हो जाएगा एंड एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और ये नज़ारे भी हम आराम आराम से देख सकते हैं, है ना। ये जा रहा है हमारा रूट, काफ़ी सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। ये रहा होम स्टेज है। आँखों में सपने ली, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आई, पलकों पे आंसू लाए, कदमों में रह जाएगा यारों का समा, मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। दिलकश नज़ारे देखे, झिलमिल सितारे देखे, ना 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 चेहरा है जाना, मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ तन्हा दिल। और यहाँ हम लोग एक टनल के बीच में से निकलते हुए, छोटी सी टनल, यार एक्चुअली में जो अभी ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, ये जो यू नो निन बिन जो सिटी है ना, उससे काफ़ी थोड़ी मतलब 8-9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर यू नो बिल्कुल ऑफ बीट में आके है। सी द ब्यूटी मैन, भाई पूरा जंगल वाला एरिया लग रहा है यार। चलो यार फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हाउलू एंशियंट कैपिटल। हमने बाइसिकल अपनी यू नो पार्किंग में लगा दी है, वो फ्री मतलब यू नो पार्किंग थी, बट वो कुछ ना कुछ लाइक दुकान वाले हैं सब पता है ये, तो कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा आगे, वो वाली चीज़ बोल रहे थे कि आगे कोको कोला खरीद लेना, बाकी पार्किंग फ्री है। तो कोई नहीं, हम लोग अभी चल रहे हैं हाउलुआ नेशनल कैपिटल। ये रहा हमारे दिस तरफ वो जो था। तो चलो भाई यार हम लोगों ने टिकट ले लिया, कुछ 20,000 VND की टिकट है बेसिकली। तो अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं। तो यार अभी हम लोग मतलब इसके हाउ लॉन्ग एंशियंट कैपिटल के अंदर आ गए हैं बेसिकली। तो पता है बेसिक यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट बहुत ही ओल्ड आर्किटेक्चर की बनी हुई है, लेकिन वो काफ़ी दूर दूर हैं यू नो। अब बाहर काफ़ी गाइड मिल रहे थे, वो लोग ये बोल रहे थे कि मतलब स्कूटी से वो लोग हमें सारा घुमाएंगे, लाइक कुछ 1 किलोमीटर पे हैं, कुछ 3 किलोमीटर पे है, कुछ 10 किलोमीटर पे, ऐसे बिल्डिंग्स हैं इस पूरे के अंदर। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ टाउन, ये पूरा आप एक टाउन सी मान लो, आप छोटा सा टाउन है। बट कोई नहीं यार, अपने पास यू नो जितना टाइम हम वॉकिंग से ये जितना देख सकते हो उतना देख लेंगे, बाकी 10-10 किलोमीटर कौन जाने वाला है वॉक करके यार। और पता है यू नो गाइड कितना ले रहा था 100,000 यू नो VND वो ले रहा है लाइक केवल अंदर घुमाने के, जितने की टिकट भी नहीं है। उधर वो यार स्टूडेंट्स वगैरह भी आ रखे हैं, जैसे उधर चले क्या, चलो उधर ही चलते हैं। यहाँ काफ़ी बच्चा पार्टी चिल कर रही है भाई। यार ये बच्चों का सही है यार, यहाँ यू नो हर मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन में बच्चे भर भर के आ रखे हैं अपने टीचर्स के साथ। हे मैन, हेलो हेलो hello. Too much excited, no man. भाई बहुत खुश हो रखे हैं बच्चे यार. What? What? Chon Vietnam. Oh, okay. Thank you. Thank you, man. What is this? What is this? What do you do? Hello. Where are you from? I'm from India. Okay. Yeah. India, yes. What? What is that? अरे यार ये लोग तो भाई ओलॉन कितना खुश हो रखे हैं यार ये बच्चा पार्टी. अली बाबा 40 चोर. अलादीन. भाई कितने खुश हो रखे हैं बच्चे यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुश हो रखे हैं यार. और ये लोग क्या बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट ये लोग वो काफ़ी खुश हो रखे हैं, पूछने में लगे हुए हैं भाई कहाँ से हो, क्या हो एंड एवरीथिंग. मस्त है यार. यार तो ये हावलू जो एंशिएंट कैपिटल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. लाइक अभी वी आर हम लोग कहाँ पे हैं यार, हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे हैं. What they are saying, I don't know, man. Beautiful. Hello. भाई बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रखे हैं ये लोग, मुझे हर जगह घेर लेते हैं यार. और यू नो यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं यू नो लाइक घूमने के लिए. लाइक ये वाला मोनूमेंट से एक अभी हम लोग जो देखने आ रखे हैं दिस इज़ द वन, एंड जो एक था जहाँ पे वो बच्चे उस तरफ खड़े हो रखे थे लाइक फील्ड में एक वो था, एंड आई थिंक एक वहाँ पे भी लाइक एक मोनूमेंट है वो भी हम देखने जाएंगे अभी थोड़ी देर में. और ये बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे मज़े भी ले रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस गाय. हे मैन हाय हेलो. यार ये बच्चे तो घेर ले रहे हैं यार हर जगह, जहाँ से भी निकलो भर के बच्चे आ जा रहे हैं. एक्चुअली मतलब ये लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं आज. आई थिंक इनका कोई हॉलीडे है तो उसके लिए मतलब ये लोग आ रखे हैं. और यहाँ यू नो बहुत क्यूट फेसेस हैं यार लाइक बच्चे वगैरह. और यू नो मतलब सब लोग बहुत सुंदर हैं यहाँ पे, चिल्ड्रंस तो बहुत ही अच्छे हैं. बाकी चलो अब हम ये थोड़ा दिखा देते हैं यार एंशिएंट कैपिटल. ओके एक देखो एक ये वाली जगह है लाइक ये काफ़ी एंशिएंट लाइक आर्किटेक्चर्स वाली बिल्डिंग्स बन रखी हैं यहाँ पे. व्हाट इज़ दिस? ड्रैगन बेड नेशनल ट्रेजर है भाई, देखो सी ड्रैगन बेड. सी मैन ये ड्रैगन और लाइक वो क्या कहते हैं उसको छिपकली का कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा है भाई. Construction of the youth celebrating the 13th anniversary of the restoration of Ninh Binh programs. सारी वुडन से बन रखी हैं ये चीज़ें यार, सब काफ़ी ओल्ड लग रहा है यार सब कुछ. यार पहले तो लाइक घर वगैरह यू नो सारे वुडन वगैरह से ही बन रखे होते थे और कितने मजबूत होते थे. लाइक इधर मतलब अपने इंडिया में भी काफ़ी जगह हैं लाइक सब वुडन से घर पर बन रखे हैं. लाइक अपने अगर आप माउंटेन्स वगैरह वाले रीजन में चले जाओ तो वहाँ तो सभी लाइक पूरा वुडन से बन रखा है. यहाँ पे भी सारा वुडन से बन रखा है और इनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है. लाइक ड्रैगन एंड ऑल वो वाली चीज़ें भी बन रखी हैं यहाँ पे. Sorry. Oh, not an issue. Thank you so much. Thank you. Too beautiful face. Ah, bonjour, c'est-à-dire ड्रैगन, तो ड्रैगन आर्किटेक्चर ऊपर वो सन का बीच में वो रखा है फिश। Và rất là vinh dự rằng vào cuối năm 2017 thì Long Sàng ở đền Bù Đinh đã được công nhận là bảo vật quốc gia dựa về giá trị niên đại. Bảo vật ở đây hơn 400 năm. Và thứ hai, đây cũng chính là hiện vật gốc độc bản ạ. Chỉ có đền thờ Bù Đinh mới có Long Sàng được chạm khắc chạm trổ đẹp như thế này. Và nếu như các bác tham quan về đền Bù Đinh ạ, và thời tiết thì có rất mưa, nên mưa sẽ tạo những thành tựu tại đây ạ. Thế mà bao giờ ở đây được nổi hơn, đạt hơn, rõ nét hơn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Và bây giờ tôi chọn cũng là các bác để vào trong các tham quan triển tái rõ hơn về đền thờ của Đức Vua Đinh và các hoàng tử ạ. What's like this? Oh boy, wow. You're amazing when you guys are there. Các bác một chút là cái ngưỡng này rất là cao đấy ạ. Wow, boy. Cái Chinese nose लिखा हुआ है. पूरे वो ड्रैगन पेंटिंग में रखी हैं, लाइक जो भी वुडन पिलर्स हैं इन पे। भाई ये देखो सी मैन वुडन पेंटिंग। ओ ये गन भी रखी हुई है इधर। भाई साहब ये वो ये हथियार जो पहले यूज होते थे, लाइक जब राजा महाराजा जाते थे तो उनके साथ जो वो चलते थे, उनके आगे वो लोग ये लेके चलते थे। साइड यहाँ पे जो उनके किंग वगैरह हैं उनकी मूर्तियाँ रखी बनी हुई हैं, स्टैचूज। एंड यहाँ पे भी एक ये है सी किंग की स्टैचू। Middle to keep changing and to compare with the different products, and that is why we bring the coin right here. Rồi con ơi. Mỗi nhà làm nhà thứ nhất, làm nhà thứ nhất. Em từ tháng 2 đến tháng này thôi là xong cũng thế, sẽ 6. ये तो ऐसा लग रहा है चीनी मिट्टी से बना हुआ है पूरा गेट। गेट तो वुडन के है ना? हाँ ये तो वुडन है यार। दिस इज वुडन मैन। Ôi để con. Petit comme moi. Et lui c'est exact. Lui c'est exactement c'est le mot Bouddha. ये यहाँ पे काफ़ी लाइक पानी के वो बन रखे हैं, उसमें मछलियाँ वगैरह भी तैर रही हैं काफ़ी सारी। यो भाई ये देखो बग्गी ड्रैगन यार, हर जगह ड्रैगन है भाई यहाँ पे। यार ड्रैगन वगैरह को तो बहुत मानते हैं यार ये लोग। De là c'est Bananka. Mais petit comme ça non. C'est comme le symbole 2 mètres plus haut. शांति कितनी है ना यहाँ पे, पीसफुल। यहाँ अगरबत्तियाँ जल रही हैं। यहाँ के लोग यू नो पूजा वगैरह बहुत करते हैं, लाइक बहुत मानते हैं टेम्पल्स वेम्पल्स इन सब चीज़ों को। सी ये कार्विंग्स ये वुडन नहीं पत्थर से बनी हुई है। Giờ ba बेल टंगी हुई है, घंटा। यार ये बहुत पुराने सब हथियार वगैरह ये रखे हुए हैं भाई साहब। देखो ड्रैगन पेंटिंग्स ऑल ओवर। ये देखो अंदर उनके किंग वगैरह की स्टैचू बन रखी है। ये रही वो रही। No to the Kong Tu. ओ यहाँ देखो भाई इनके वो रखे हैं सब पहनने वाली चीज़ें। कैप वैप वगैरह है, ड्रेस वगैरह है यहाँ पे। ये मुकुट है, शूज़ रखे हुए हैं। ये इन किंग्स वगैरह की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। यार मतलब मैं जो भी सारी बिल्डिंग्स वगैरह और ये बनी देख रहा हूँ ना, इससे मतलब बेसिकली एक मुझे चीज़ पता लगी। बेसिकली ये पता है पुराना विलेज रहा करता था, जो पुराना विलेज था ना जहाँ पे लोग राजा महाराजा सब रहते थे, तो वो पूरा विलेज है ये। ठीक है, ये हाउ लॉन्ग एंशियंट विलेज। तो उसी को मतलब ये इन्होंने एज आ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा है, जहाँ पर आप यू नो जो पहले पुराने जो घर वर बन रखे हैं वो सारे मतलब इन्होंने एज अ मोनूमेंट की तरह मतलब सजा रखे हैं, मतलब बचा रखे हैं। एंड देन ये गेट्स हैं उस प्लेस के, लाइक सी हियर दिस साइड। काफ़ी बड़ा है लाइक यार ये ना। तो मैं थोड़ा आगे गली में चला गया था, तो ये रहा एक टेम्पल थोन नैम। वो हेलो साइट। चाइनीज में लिख रखा है भाई काफी। कभी ऐसा लगता है दिल में एक राज है, उसे कह ना पाऊँ मैं ना 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 ना। ये भी बंदर आ गए हम एक और। ओ भाई साहब ये देखो क्या है, पिलरों पे खड़ा हुआ है भाई ये, पूरा वुडन पिलरों पे। ये अंदर क्या है, फूल है क्या? ये बुद्धिस्ट पिलर है इन नेट ट्रू पगोड़ा। भाई बुद्धिस्ट पिलर है ये। बुद्धा जी को कितना मानते हैं लोग ना, ऑल ओवर कंट्री एंड हर जगह। यहाँ के मंदिरों में लाइक फल वल रखे होते हैं यार, मतलब लोगों के पास मैंने देखा है तो फल वल, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, पानी वानी सब रखा रहता है चीज़ें। एंड कुछ फलों लाइक कुछ मंदिरों में स्टैचूज़ हैं, लाइक ये उनके गॉड्स हैं या एंशियंट लाइक जो लीडर्स रह चुके हैं वो हैं, या कुछ किंग्स हैं। ये देखो कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं, पानी वानी, फल वल, कितनी सारी चीज़ें। ओ ये बुद्धा जी। बुद्धा जी या उनके पीछे भी तीन बुद्धा जी हैं। यहाँ छोटे छोटे बुद्धा जी बने हैं उनके पास। नाइस, सी द ब्यूटी। यार यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पता है कब्रें देखो कैसी बनी रहती हैं लोगों की। सी पूरा एक भाई मतलब प्रॉपर वो बना रखा है इन्होंने एंड इसके अंदर पूरी कब्रें उनकी देखो लाइक दिस। मतलब यू नो व्हाट लाइक अभी एक पूरा सेक्शन है वहाँ पे, एक दूर एरिया था वहाँ पे यू नो काफ़ी सारी मतलब कब्रें हैं, सब ऐसी ही बन रखी हैं। वो थोड़ा दूर है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने कहा इधर एक ऑलरेडी बन रखी है तो ये वाली दिखा देता हूँ। बाकी सही है मतलब ओवरऑल ये एंशिएंट विलेज आप देख सकते हो। मतलब यार एक्चुअली में चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हिस्ट्री बहुत सारी है, अगर एक एक चीज़ में बस रुक जाएंगे ना तो बहुत सारा है मतलब पूरा टाइम चला जाएगा। तो जस्ट ये अपन ऊपर ही ऊपर से चीज़ें देख ले रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है तो समझ ले रहे हैं दैट्स इट। ये लो भाई भैंस के ऊपर बैठे हुए हैं ये झाड़ू लेके।